वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. English girls pursued and raped and drugged and harmed by gangs of British Pakistani men who worked in child abuse rings or networks. जी हाँ दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो हम समझा देते हैं। पाकिस्तानियों ने झंडे गाड़ दिए हैं यूके के अंदर, और ब्रिटेन की गोरी लड़कियों को वो छेड़ते हैं, उन्हें ड्रग देते हैं, उनको हार्म पहुंचाते हैं और कभी कभी तो उनका रेप कर देते हैं। ये कहना है यूके की होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेमन का। बकायदा उन्होंने ये अपना इंटरव्यू स्काई न्यूज को दिया है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने ब्रिटिश पाकिस्तानी मेंस के ऊपर एक कड़ा प्रहार किया है कि बेटा बहुत हो गया तुम्हारा, अब हम तुम्हारे ऊपर लगाम लगाएंगे और तुम्हें गर्दन से पकड़ेंगे। दोस्तों, ब्रिटिश पाकिस्तानियों ने अपनी गैंग चला रखी है यूके के अंदर, और वो ड्रग्स की तस्करी, महिलाओं को छेड़ना और छोटे छोटे बच्चों को भी हार्म पहुंचा रहे हैं और कभी कभी उनका रेप भी कर देते हैं, और इन्हें पेडोफाइल बोला जाता है। और बेसिकली अब ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि लगातार हमारी एजेंसियां और हमारी पुलिस इनके ऊपर एक्शन लेने से इसलिए डरती थी क्योंकि उन्हें रेसिस्ट कहा जाएगा, इसका डर उन्हें होता था। लेकिन इस डर के बदले हमें क्या मिला? हमें ये मिला कि हजारों हजारों बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं हुई और उनका अब्यूज हुआ और उनका चाइल्डहुड खराब किया गया इनके द्वारा। और अब उन्होंने कहा कि ये सारा मामला बंद होने वाला है और हम अब रूल स्ट्रिक्ट करने वाले हैं, और हमारी पुलिस और हमारी एजेंसियों के पास अब पावर आएगी कि वो इनके ऊपर तगड़ा एक्शन ले और इनकी गैंग के नेटवर्क को तोड़ें। दोस्तों, पाकिस्तानियों की गैंग को दाद देनी होगी कि इन्होंने तो ब्रिटेन के गोरे अंग्रेजों को भी नहीं छोड़ा। अगर समय रहते ब्रिटेन ने भी इनके ऊपर कार्रवाई ना करी तो ब्रिटेन के अंदर भी ये दूसरा पाकिस्तान बना देंगे, इतना दम ये रखते हैं। खैर दोस्तों, सारे पाकिस्तानी एक जैसे नहीं है, लाखों पाकिस्तानी यूके के अंदर रहता है और इनकी जो संख्या है कुछ एक संख्या की है, लेकिन इनको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनकी भी जांच यूके की सरकार को करनी चाहिए। खैर दोस्तों, ये ब्रिटेन के जो अंग्रेज हैं इनके ये सगे नहीं है, और पाकिस्तानियों के साथ अब कैसा सलूक होने वाला है ये अब समय रहते आपको देखने को मिलेगा। खैर, ये जो एक्टिविटी है सारे पाकिस्तानियों पर नहीं, ये जो गैंग वाले लोग हैं इनके ऊपर होगी, और देखना होगा इनके ऊपर यूके क्या एक्शन लेता है। लेकिन ये सारी घटना हुई है और बेसिकली पाकिस्तान के मीडिया की चीख निकल गई है। आपके सामने डॉन न्यूज का आर्टिकल चल रहा है, जिसके अंदर ये आर्टिकल लिखा गया है कि यूके के मिनिस्टर के खिलाफ एक गुस्सा देखने को मिला है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से पाकिस्तानी मेंस को चुना है। और इसके बाद यूके एक अपना जो तुर्की का मीडिया है वो भी यहां पर आ गया है, यूके के होम सेक्रेटरी को उन्होंने एक रेसिस्ट कहा है, बेसिकली इन्होंने एक अपनी प्रतिक्रिया दी है। बेसिकली ये सारी डेवलपमेंट निकली है, आपको पता ही है कि पाकिस्तान का नाम ले दिया तो अब पाकिस्तान की जो गैंग है इनको रेसिस्ट कहेगी, जैसा कि सुएला ब्रेमन ने कहा था कि पुलिस अगर इन पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेती है तो ये रेसिस्ट कहते हैं, और अब सुएला ब्रेमन ने पाकिस्तानियों का नाम ले दिया तो अब सुएला ब्रेमन रेसिस्ट हो गई। अब देखना होगा दोस्तों क्या होगा, मामला पूरा फंस गया है ब्रिटेन और पाकिस्तान के बीच में, और ब्रिटेन वाले अब रेसिस्ट रेसिस्ट भूल चुके हैं, अब ये एक्शन तगड़ा ही लेंगे। और हाल ही में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी इन्होंने लाई है, जिसके चलते ये अपना कोई भी रूल रेगुलेशन को नहीं देखेंगे, अगर उनके देश में कोई इल्लीगल तरीके से आता है तो सीधा इन्हें डिपोर्ट कर देंगे, और डिपोर्ट किस देश के अंदर किया जाएगा ये फैसला यूके वाले करेंगे। तो भैया, यूके वाले तो सुधर गए हैं, पाकिस्तानियों अब तुम सुधर। हरामियों की वजह से ऐसे बदनाम, हम पूरी दुनिया में क्यों बदनाम है? ऐसे कुछ हरामियों की वजह से पाकिस्तानी है भाई, पूरे पाकिस्तान का नाम बीच में जुड़ते हैं तब तो हम भाई बदनाम है, बदनाम हो जाते। ऐसे कुछ लोग जाते हैं अपनी औकात कमीने भूल जाते हैं उधर जाकर कि हमारी औकात क्या है। बिल्कुल, ये भुट्टे, ये मेरे मुंह में गालियां आ रही हैं, ये ब्रिटिश नागरिक है, ये भुट्टे हरामी उधर जाके बच्चों को छेड़। सही बात है, ये दिन भुट्टो क्यों
उधर इन भुट्टो की वजह से उधर जो चार होंगे ना वो जो मतलब लाखों पाकिस्तानी और रह रहे हैं उनको शर्म आई होगी। शर्म क्या का होम मिनिस्टर आके बोल रहा है भाई, बोल रहा है मतलब और किसी का देखो नाम और किसी का क्यों नहीं लिया पाकिस्तानी को क्यों पाकिस्तानी लास्ट तो पाकिस्तानी आए इसी वजह से आए कि यार इन्होंने इस तरह मैं तो कहता हूँ पहले इनको उधर पकड़े इनकी पिछवाड़े में तेल लगा के और मिर्च लगा के डंडे दें फिर इनको पाकिस्तान से कॉल करें कम से कम इनको रिपोर्ट वगैरह ना इनको कम से कम 10-12 साल जेल में जेल में डेली डंडे वाला सिस्टम करें डंडे वाला डेली इनके अंदर सिस्टम करें ताकि इनका ये हाल हो कमीनों का। इन लोगों ने बदनाम करके पहले टर्की में कुछ ने बदनाम किया अब इधर आके बदनाम कर रहे हैं भाई इन लोग। एक अच्छी खबर तो कभी जिंदगी में नसीब ही नहीं हुई। देखो टर्की में ये कर रहे हैं, यूएई में ये कर रहे हैं, यूके में ये कर रहे हैं, कौन सा यार किस किस कंट्री से जो है ना यार किस बदनाम करेंगे। आगे बुरा हाल है पाकिस्तान का, उनकी कंडीशन भी यही पाकिस्तान की हुई है। दूसरी बात ये कि लोग भी इस तरह की हैं और कुछ लोगों की वजह से जो उधर ठीक है उनका भी नाम शरीफ लोग हैं यार जो शरीफ लोग हैं वो बदनाम होते हैं। वाकई में जो शरीफ लोगों का उधर जिंदगी अपनी इज्जत के लिए जान भी देने वाले लोग होते हैं। कुछ लोगों के लिए मोस्टली हर किसी के लिए जो अपनी इज्जत होती है होती है। वाकई में जब आप जिस कंट्री से आपकी पहचान हो जिस कंट्री से आपकी आपके पास जितनी भी नेशनैलिटीज हो लेकिन आप अपनी कंट्री की पहचान कभी भी नहीं हटा सकते। वाकई में नहीं हटा सकते, कभी भी नहीं हटा सकते। आपका ओरिजिन कभी भी आपसे नहीं हट सकता। आप चाहे 50 साल आप 100 साल आप 100 साल आपका ओरिजिन कभी भी नहीं हट सकता। आपका ओरिजिन वो यही बोलेंगे कि ये पाकिस्तानी। और जो शरीफा शराफत की तरह कह रहे हैं गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।